गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, अब हम AS24 पढ़ते हैं। ये AS डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का है कि जब कंपनीज अपनी किसी यूनिट को या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को डिसाइड करती हैं कि हमें ये बंद करना है, तो उसके कैसे हम बुक्स में, कैसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्प्ले करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड टू इस्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग होने वाले हैं, देयर बाय एनहेंसिंग द एबिलिटी ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक प्रोजेक्शन ऑफ एंटरप्राइजेस कैश फ्लो, अर्निंग जनरेटिंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन बाई सेग्रीगेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यू फ्रॉम कंटिन्यू। दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। नाउ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होते हैं, पैराग्राफ 3 में दिया है। दैट द एंटरप्राइजेस पर्चेजेंट टू अ सिंगल प्लान इज डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशली इन इट्स इंटायरिटी सच एज बाई सेलिंग द कंपोनेंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन और बाई डिमर्जर और बाई स्पिन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपोनेंट टू द एंटरप्राइजेस स्टेक होल्डर, और डिस्पोजिंग ऑफ पीस मील सच एज बाई सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट एसेट्स एंड सेटिंग द लाइबिलिटी इंडिविजुअली और टर्मिनेटिंग थ्रू अमेंडमेंट, एंड दैट रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज। तो ये डिस्टिंग कंटिन्यूइंग ऑपरेशन हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ 9 पढ़ें। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी दैट डू नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए ऑफ पैराग्राफ 3 बट दैट माइट डू सो इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टांसेस इंक्लूड ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विसेज, ठीक है। डिसकंटिन्यू रिलेटिव एब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट विद इन ऑन एन ऑन गोइंग लाइन ऑफ बिजनेस। नंबर 3, शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। नंबर 4, क्लोजिंग ऑफ द फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और अदर कॉस्ट सेविंग, ओके। एन एग्जाम्पल इन रिलेशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिंट इज सेलिंग अ सब्सिडी, ओके। नाउ अब आगे देखते हैं। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट इज द अकरेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विच एवर इज अर्लियर। नंबर 1, द एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इन टू बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट फॉर सब्सटेंशली ऑल ऑफ द एसेट एट्रिब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और द एंटरप्राइजेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सिमिलर गवर्निंग बॉडी हैज बोथ, नंबर 1, अप्रूव्ड अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूएंस एंड मेड एन अनाउंसमेंट। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब एक तो प्लान अप्रूव करें और अनाउंसमेंट भी करें, तभी आपका माना जाएगा। अब डिटेल फॉर्मल प्लान में क्या क्या होता है ये देखिए पैराग्राफ 16 में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेजर एसेट टू बी disposed of, the expected method of disposal, the period expected to be required for completion of the disposal, the principal location affected, the location function approximate number of employees who will be compensated for terminating their services, the estimated proceeds or salvage value to be realized by disposal, recognition and measurement, and enterprises should apply the principle of recognition and measurement that are set out in other accounting standard for the purpose of deciding as to and when to recognize and measure the assets, changes in the assets and liabilities and the revenue expenses gain losses cash flows relating to discontinuing operation. Ab hai presentation and disclosure. Hum log jo bold wale hain letters unko padhte hain, उनसे हमें काफ़ी मेजर पता चल जाता है AS के बारे में। ना पैरा 20,
एन एंटरप्राइजेस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अकर्स. क्या? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, द बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट इन विच इट इज रिपोर्टेड एज पर AS 17. मतलब बिजनेस सेगमेंट में रिपोर्टिंग हुई है कि जियोग्राफिकल सेगमेंट में. द डेट एंड नेचर ऑफ द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, द डेट और पीरियड इन विच द डिसकंटिन्यूएंस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, द कैरिंग अमाउंट एज ऑफ द बैलेंस शीट डेट ऑफ द टोटल एसेट टू बी डिस्पोज ऑफ एंड टोटल लाइबिलिटीज टू बी सेटल, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन यूजिंग द करेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसिस रिलेटिंग टू देयर टू, द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड. पैराग्राफ 23 कहता है व्हेन आर रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस when an enterprise dispose of assets or settle liability attributable to a discontinuing operations or enter into binding sale agreement for the sale of such assets or settlement of such liability, it should include in its financial statement the following information when the event occurs. Number one, for any gain or loss that is recognized on disposal of assets or settlement of liability attributable to the discontinuing operation. Number one, the amount of pre-gain profit or loss. Number two, income tax expenses relating to gain or loss. And the net selling price or range of prices of those net assets for which the enterprise has entered into one or more binding sale agreement. The expected timing of receipts of those cash flows and carrying amount of those net assets on the balance sheet date. Okay. Paragraph 26. Updating and disclosure. The updating the disclosure. In addition to the disclosure in para 22-23, an enterprise should include in its financial statement for period subsequent to one in which the initial disclosure event occurs a description of any significant changes in the amount of timing or timing of cash flows relating to assets to be disposed of or liability to be settled and event causing those changes. Paragraph 28. The disclosure requirement by paragraph 20, 23, 26 should continue in financial statement for period up to and including the period in which the discontinuance is completed. The discontinuance is completed when the plan is substantially completed or abandoned, through full payment from the buyers may not yet come. Though full payment aaye athwa nahi aaye, lekin jab ye complete ho jaye. Paragraph 29. If an enterprise abandons or withdraws from a plan that was previously reported as discontinuing operation, that fact, reason thereof and its effect should be disclosed. अगर पहले हमने disclose कर दिया कि discontinue कर रहे हैं, अब withdraw कर लिया, तो ये बार सारी चीज़ें बतानी होगी. Paragraph separate disclosure का है. Any disclosure required by this standard should be presented separately for each discontinuing operation. Presentation of the required disclosure. The disclosure requirement by para 20, 23, 26, 28, 29, 31 should be presented in the notes to the financial statement except the following which should be shown on the face of the statement of P&L. Number 1. The amount of pre-tax profit or loss from ordinary activity attributable to the discontinuing operation during the current financial period and the income tax expenses thereto. The amount of pre-tax gain or loss recognized in the disposal of the assets or settlement of liability attributable to the discontinuing operation. ठीक है? Okay. Para 34, restatement of the prior period. Comparative information for prior period that is presented in financial statement prepared after initial disclosure event should be restated to segregate assets and liabilities of continuing and discontinuing. अगर आपने current year में आपने कोई event disclose करी है तो उसका restatement previous year में भी जाएगा. And paragraph 36 है, disclosure in interim financial report. Disclosure in an interim financial report in respect of discontinuing operations should be made in accordance with AS 25.
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक एग्जांपल है, पढ़ते हैं इसको और इसके बाद इसे करते हैं, ठीक है। चलिए, डेल्टा कंपनी हैज़ थ्री सेगमेंट, फूड डिवीजन, बेवरेज डिवीजन एंड क्लोथिंग डिवीजन। क्लोथिंग डिवीजन इज डीम्ड इनकंसिस्टेंट विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड देयरफॉर टू डिस्पोज ऑफ द क्लोथिंग डिवीजन। ऑन 15th November 2011 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द डेल्टा कंपनी अप्रूव्ड अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर द डिस्पोजिंग एंड एन अनाउंसमेंट। दोनों इवेंट हो गई ना, जब दोनों इवेंट हो गई तो फिर डिस्क्लोजर बनता है। 15 November इज द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। ऑन दैट डेट द क्लोजिंग डिविडेंड नेट एसेट्स वाज 90 lakhs, 105 lakhs की एसेट्स थी और लाइबिलिटी 15 lakh की थी। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट्स कैरीड ऑफ 105 lakhs वाज एस्टिमेटेड टू बी 85 lakhs, मतलब 20 लाख रुपए का लॉस हो गया, ये इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगी। ऑन 31 December द कैरिंग अमाउंट ऑफ द क्लोजिंग डिवीजन वॉज 70 lakhs, देयर वॉज नो फर्दर इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट्स बिटवीन दिस। ओके, 31 December को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए। अब 30 September 2012, नेक्स्ट ईयर में आ जाए, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ क्लोथिंग डिवीजन कंटिन्यू टू ₹70। ऑन दैट डे डेल्टा साइन अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड ऑन 30 June 2013। ओके, तो 31 December 2012 तक कुछ नहीं होगा। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स इज ₹60 lakhs, बेस्ड देन एडिशनल इंपेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज। इन एडिशन प्रायर टू 30 January द सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेज डेल्टा कंपनी टू टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयज ऑफ द क्लोजिंग विच वुड रिजल्ट इन टर्मिनेशन कॉस्ट ऑफ ₹30 lakh टू बी पेड बाई 30 June 2013। ओके, अ लाइबिलिटी एंड रिलेटेड एक्सपेंसिज इज ऑल्सो रिकोगनाइज। द कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट क्लोदिंग डिविजन थ्रू आउट 2012। ऑन 31 December 2012 द कंपनीज अमाउंट ऑफ क्लोदिंग डिविजन नेट एसेट्स इज 45 lakhs कंसिस्टिंग ऑफ। ओके, डेल्टा प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट डज नॉट प्रिपेयर अ कैश फ्लो, अदर फिगर्स आर एज्यूम्ड टू इलस्ट्रेट द प्रेजेंटेशन। अब ये सारी फिगर इन्होंने एज्यूम करी हुई है। फ्रेंड्स हम इसको, इनकी ये जो फिगर्स हैं ये इन्होंने दी हुई है, हम इसको खुद ही ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसे प्रेजेंटेशन भी करेंगे, ठीक है। सो देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डेल्टा लिमिटेड। ये फिगर हमने सारी फिगर्स एज्यूम करी हैं, ध्यान रखिएगा। ऑन 31 December 2010 टर्नओवर ये 150 है और ये 140 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें 92 है और इसमें 105 है। इम्पेयरमेंट की जो लॉस है 105 माइनस 85 20 की जो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हमारा 28 है और ये 45 है। इंटरेस्ट 15 20, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमारा 13 है और ये 25 है, ठीक है। अब यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम दो पार्ट में बांटेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो ये इनकम टैक्स
ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ओके, तो यहां पर फिर लिखेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंटेशन होगी। अब इसके लिए एक नोट्स बनाते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जरा देख लीजिए। नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हैं कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये हमारे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो ये 2011 है, 2010, और ये टोटल 2011, 2010। सही है, टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर हमारा इसका 140 था, इसका 150। एज्यूम कर रहे हैं ये 90-50 है और ये 80-70। ये सारी फिगर एज्यूम्ड है, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए समझाई जा रही है। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए समझाई जा रही है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे वो थे 92 और 105, तो इसमें हम ले लेते हैं 60-45 और इसमें ले लेते हैं 65-27। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस वो हमारी 20 थी, तो 20 की इम्पेयरमेंट लॉस डिसकंटिन्यूइंग में आएगी, कंटिन्यूइंग में तो आएगी नहीं। ठीक है, सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये 25, 20, 3, 25, 28, 45। ठीक है जी। चलिए, अब हम इंटरेस्ट की बात करें। यहाँ पर इंटरेस्ट था हमारा 15 और ये 20, तो 10 और 5 ले लेते हैं और यहाँ पर 8 और 20 ले लेते हैं, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 15, 12, -2, 13, 13 और 25 आ गया। तो इनकम टैक्स एज्यूम कर लेते हैं 50% है, तो इसका 7, इसका 6, इसका 1 और इसका 7, तो टोटल 6 और 13। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 8, 6, -1, 6, 7, 12, और इसी के बेसिस पर हमारा ऊपर प्रेजेंटेशन आ जाएगी। इसमें जो नीचे हमने वर्किंग नोट करें वैसी प्रेजेंटेशन अब ऊपर आ जाएगी। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे 2011 में 15 है और 2010 में 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और ये 12, इसका टैक्स 7 और 6, तो ये बचेगा 8 और 6। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में ये -2 और ये 13, इसमें +1 और 7, तो ये -1 और ये 6। सो इन दोनों को ऐड कर दें, ये ए है और ये बी है, तो ये 7 और ये 12। ठीक है, प्रेजेंटेशन समझ में आया।
ऐसे ही हम 2011-12 का बना देंगे। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इन्होंने ये बनाया था और ऐसे ही फिर 2011-12 का बना दिया, ठीक है जी। डाटा सारे एजम्पशन बेसिस पे लिए हैं, इसलिए उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। प्रेजेंटेशन सिर्फ ये दिखानी है कि क्या आपकी कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं और क्या आपके डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ये इलस्ट्रेशन टू है। इलस्ट्रेशन टू क्या कहती है इसको समझ लीजिए। देखिए, दिस इलस्ट्रेशन डज नॉट फॉर्म, पैराग्राफ 34 रिक्वायर्स दैट कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ प्रायर पीरियड दैट इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर बी रिस्टेटेड टू सेग्रीगेट एसेट्स लाइबिलिटीज इन अ मैटर सिमिलर टू एस पैराग्राफ 20, 23, 28, 29, 30, 31। इन्होंने बोला ऑपरेशन ए बी सी डी वर ऑल कंटिन्यूइंग इन ईयर वन एंड ईयर टू, ओके। ऑपरेशन डी इज अप्रूव्ड एंड अनाउंस फॉर डिस्पोज इन ईयर थ्री बट एक्चुअली डिस्पोज इन ईयर फोर। तो ईयर वन और ईयर टू में दोनों ही कंटिन्यू थे। तो अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ईयर थ्री के, ठीक है। तो ये ईयर टू पिछले साल का और ये ईयर थ्री। अब इसमें कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ए बी सी। एक्चुअल में ईयर टू में चारों ही कंटिन्यूइंग थे, लेकिन अब ये फाइनेंशियल ईयर किसके हैं, ईयर थ्री के, तो रीस्टेट ईयर टू को भी करेंगे, तो ईयर टू में भी हम इसे डिसकंटिन्यू दिखाएंगे, ठीक है। और ए बी सी डी, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ईयर फोर के, ठीक है। अब ईयर फोर में देखिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यू, ये हमारा ईयर थ्री होगा और ये हमारा ईयर फोर होगा, यही होगा। चलिए अब देखिए ईयर फोर की अनाउंसमेंट कुछ और आ गई, ऑपरेशन बी इज डिसकंटिन्यूड इन ईयर फोर एंड ऑपरेशन ई इज एक्वायर्ड। ईयर फोर में इन्होंने ऑपरेशन ई एक्वायर कर लिया, तो ए और बी ये तो कंटिन्यूड हो गए, अब बी के लिए भी डिसाइड हो गया कि भाई तुम डिसकंटिन्यू हो गए, और ई नया आ गया, ये नया आ गया। तो जब ईयर फोर में डिसाइड हुआ तो ईयर थ्री को भी हम रीस्टेट करेंगे। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं इस ईयर को, जब ईयर थ्री बनाया था तो ए बी सी कंटिन्यू थे, लेकिन जब ईयर फोर में ईयर थ्री बनाया तो बी भी डिसकंटिन्यूड आ गया। अब हम बनाते हैं फाइनल स्टेटमेंट ऑफ ईयर फाइव। तो यहाँ ईयर फोर होगा और यहाँ पे ईयर फाइव होगा, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग, सही है। अब
अब देखिए जरा, ईयर फाइव में इन्होंने एफ को भी एक्वायर कर लिया। जब एफ को एक्वायर कर लिया तो ईयर फाइव देख लीजिए क्या होगा, ए सी ई और एफ। ईयर फोर में था हमारा ए सी ई, ईयर फोर में हमारे बी और डी जो डिसकंटिन्यूड हो गए थे, जबकि ईयर फाइव में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ईयर फाइव में तो कुछ डिसकंटिन्यूड हुआ ही नहीं, जो थे वो हो गए डिसकंटिन्यूड, ठीक है ना। तो अब अगर हम कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाए, नाउ इफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं इन ईयर फाइव, ये थोड़ा सा समझने का है, ये ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर एंड ईयर फाइव। यहां पे कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड। अब ईयर फाइव में बताइए कौन कौन कंटिन्यूड है, ए सी ई एंड एफ। तो ईयर फोर में कंटिन्यूड कौन कौन होंगे, ए सी और ई, एफ तो था ही नहीं ना, और डिसकंटिन्यूड कौन, बी और डी। तो ईयर थ्री में कौन होंगे, ए सी ई तो था ही नहीं, और डिसकंटिन्यूड कौन, बी और डी, ठीक है ना। तो ईयर टू और ईयर वन को भी हम रीस्टेट करेंगे सिमिलर पैटर्न पर, जबकि हमें पता है कि ईयर वन और ईयर टू में सारे ऑपरेशनल थे, बट चूंकि अब हम किस ईयर में बना रहे हैं, ईयर फाइव में, तो जब हमें पता चल गया कि ये बाद में डिसकंटिन्यूड हो रहे हैं तो उनको पहले भी डिसकंटिन्यूड सेक्शन में ही डलेगा। ये प्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स, आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि भाई ये चीज़ आपको समझ में आए, यही आपके इतना ही आपके कोर्स में है। अगर आप इस एग्जांपल को अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। सो आई होप AS24 आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। कुछ नहीं है इसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का है, और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आपको ये देखना है कि कब डिस्क्लोज़र होता है। तो इसमें पैराग्राफ 15 में ये इवेंट है कि भाई ये अगर होता है तो ये डिस्क्लोज़र इवेंट आता है, एक तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है या फिर अनाउंसमेंट हो जाए और प्लान अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका AS24 है जो हम लोगों के लिए किया है, और आपको समझ में भी आया होगा थोड़ा थोड़ा, बाकी एक बार और देख लीजिएगा। एस की बुक्स हम जो देंगे आपको उसको स्टडी करिएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय, गुड डे।